प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, चलो। भाई सोड़ी, ये बादशाह होटल यहाँ से कितनी दूर है? ए वांडा, तुमको अभी भी पार्टी में जाना है? यहाँ मैं फंस गया हूँ और तुमको जश्न मनाना है? सॉरी सॉरी। नहीं जयनलाल, गलती तुम्हारा है। पुलिस को रिश्वत देने का क्या जरूरत था? अरे मुझे थोड़ी मालूम था कि वो ईमानदारी का पूछड़ा निकलेगा। अरे मैं पहले से ही बोल रहा था कि भाई नो एंट्री में मत घुसो, मत घुसो। अरे कभी इलीगल काम करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो घर पे बबीता जी को क्या सच बोल के आए? जयतालाल वो बात अलग है। अरे वाह, ये देखो, ये करे वो अलग, हम करे वो गलत। अरे आप लोग शांत हो जाना भाई, अब बैस करके क्या फायदा है? वैसे पार्टी के मूड की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। ओ क्या मूड की ऐसी तैसी हो गया जी, पूरी पार्टी शार्टी का टायर ही पंचर हो गया। अब कोई फायदा नहीं है, चलो कार चलो। हाँ चलो भाई चलो। छोटी रुक 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 रुक, क्या हो गया जेठालाल? हम लोग सब साथ में घर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो हम लोग अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं। ओ जेठा प्रा, ओ मैं तो गोकुलधाम में रहता हूँ, मैं किसी अलग सोसाइटी में क्यों जाऊँ भाई? अरे मेरे कहने का मतलब है हम लोग अपनी सोसाइटी में अलग अलग जाते हैं। ओए जेठा प्रा, मैं मजाक कर रहा हूँ, पता मुझे क्या कह रहे हो आप? मैं तो सर सब लोग भले अलग अलग जाए, लेकिन आप मेरे साथ ही आना मेरे घर पे। मैं तुम्हारे घर क्यों? अरे बापू जी को समझाना तो पड़ेगा ना, कल पुलिस को मिलने जाना है। चाचा जी से मैं क्या बात करूंगा जेठालाल? अरे आप लेखक, आप सोचो कुछ। क्या सोचूं जेठालाल, पहले तो झूठ बोल के पार्टी में जा रहा था, फिर नो एंट्री में फंसा, उसके बाद ये रिश्वत का चक्कर। चाचा जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे बापू जी आपको थोड़ी कुछ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे मुझे बोलेंगे। नहीं नहीं जेठालाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेहता साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं भाई जेठालाल, मैं नहीं चल पाऊंगा चाचा जी के पास। सोठी। हाँ चलो जेठा ब्रा, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो। ओके पोपटलाल, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। क्या मतलब? भाई चाचा जी ठहरे आदर्श विचारों वाले, अगर लड़की वाले मुझे देखने आए और चाचा जी ने उन्हें बता दिया कि मैं नो एंट्री में घुस घुस कर पार्टियां करता हूं तो नो, मैं नहीं आएगा। एक तो सोड़ी को नो एंट्री में घुसने के लिए तुमने वार्ड किया, ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत देने का कोशिश भी तुमने किया, जो गलत है वो गलत है। मैं चाचा जी को समझाने के लिए नहीं आऊंगा। मैंने आपसे पूछा आपसे कि आप आओ मेरे घर पे बापूजी को समझाओ, पूछा नहीं तो फिर अरे फोकट नो 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 नो। जेठालाल देखो, तुम घर जाके चाचा जी से माफी मांग लो और सच सच बता दो, मैं भी जाऊंगा तो डांटी पड़ेगी ना। अरे क्या समझाऊंगा बापूजी को और कैसे समझाऊंगा, आज सुबह बापूजी वो टीवी देख रहे थे, उसमें भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, तो उसमें लकड़ी से सोफे की खबर ले ली, तो सोचिए मेरी हालत कैसी होगी। भाई साहब के जैसी मजाक सोच रहा है आपको, मजाक सोच रहा है अभी? भाई जेठालाल
तुम एक बार चाचा जी से बात तो करो, देखो चाचा जी क्या कहते हैं। हाँ, और अगर फिर चाचा जी नहीं मानते तो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं उनको मनाने की, सोचते हैं क्या करना है। हाँ करेक्ट, ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। और क्या, मैं तो घर पर खाना नहीं खाऊंगा बोलकर निकला। यहाँ मैं मार खाने वाला हूँ, इनको खाने की पड़ी है, बोलो। अय्यर भाई, यहाँ हम सबका हाल एक जैसा ही है, जो कुछ भी घर में बचा कुचा मिले वो खा लेना, नहीं तो उपवास। हाँ, उपवास करेंगे तो कुछ तो पाप धुलेंगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो, ओके भाई, सॉरी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो भाई, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, चलो। रिक्शा, रिक्शा। अरे सोडी, तू कहाँ जा रहा है? तुम्हारे लिए रिक्शा ढूंढने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, थैंक यू दोस्त, मैं ढूंढ लूंगा रिक्शा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। चलो भाई, गुड नाइट। ये पार्टी के चक्कर में हीरा चाचा को भी नहीं मिला, अभी घर जाऊंगा तो पता नहीं बापूजी का मूड कैसा होगा। क्या करूं, बापूजी को बोल दूं? नहीं, हाँ हिम्मत करके बोल ही देता हूं। बापूजी, बापूजी हाँ? एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। आज गलती से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश हो गई। जेठिया, तू कब सुधरेगा बेटा? सॉरी बापूजी। बस कौन सा काम? पार्टी का। है? अरे पार्टी, पार्टी, आपकी पार्टी। सोमू भाई जलगांव, आप उनको मिलने गए थे ना? हाँ, तो क्या वो काम नहीं हुआ? नहीं नहीं, हाँ वो हो गया, वो काम हो गया। अरे तो ये नहीं नहीं क्या था? वो नहीं नहीं ये था कि सोमू चाचा को। अरे कौन सोमू चाचा? हीरा, हीरा, सॉरी, हीरा, हीरा चाचा को मिले बगैर मुझे नहीं नहीं जाना चाहिए था ऐसा। बराबर, हीरा चाचा भी आपको बहुत याद कर रहे थे। तेरे लिए कच्ची पेड़े देकर गया है। अच्छा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? हाँ, तुझे कुछ परेशानी है? नहीं नहीं, क्या परेशानी क्या हो सकती, कुछ नहीं परेशानी बाबूजी। ठीक है, बाबूजी एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ।
बाबूजी वो क्या हो? वो नो एंट्री होती है ना जिसमें आप गाड़ी लेके घुस नहीं सकते। हाँ पता है, उसमें घुस गए तो अगर पुलिस ने पकड़ा तो चालान बनता है। हाँ तो एक बेचारा आदमी बस जल्दी में था और गलती से गाड़ी लेके घुस गया उसमें नो एंट्री में और पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के बहुत सवाल पे सवाल किए जा रहा था और इसको बहुत जल्दी थी कहीं पहुंचना था, तो बेचारे ने बोला कि भाई बोलो ना अभी क्या कितना क्या लेना है, लेके बात खत्म करो। तो उसने मतलब रिश्वत दी? रिश्वत नहीं, खुशी खुशी भेंट। हाँ मतलब एक तरीके से रिश्वत भी बोल सकते हो उसको, लेकिन बेचारा क्या एकदम जल्दी में था, उसको कहीं पहुंचना था और ये पुलिस टाइम पास किए जा रहा था। तो क्या कहना क्या जा रहा है? हाँ वो कहने का तात्पर्य यही है बापूजी कि कोई बेचारा आदमी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो वो खुशी पे मतलब रिश्वत ना दे तो क्या करे बेचारा। क्या करेगा बेचारा आदमी, रिश्वत ही देगा और क्या। हाँ मतलब उसने बराबर क्या ना जो किया वो। ये बराबर वाली, ऐसे आदमी को तो लकड़ी लकड़ी से मारना चाहिए। अरे रिश्वत लेने वाले से ज्यादा रिश्वत देने वाला बड़ा गुनहगार होता है। लेकिन बापूजी वो तो परिस्थिति ऐसी आ गई इसलिए उस बेचारे को ऐसा करना पड़ा, बाकी वो अच्छे घर का सीधा साधा आदमी था। रिश्वत देने वाला आदमी सीधा नहीं होता और सीधा आदमी कभी रिश्वत नहीं देता, समझा? समझा? बराबर बराबर बाबूजी। बाबूजी एक और बात, मान लो गलती से मुझसे कभी ऐसी गलती हो जाए और पुलिस मुझे पकड़ ले तो आप मुझे छुड़ाने आएंगे ना? हाँ आऊंगा। और उस पुलिस वाले से कहूंगा कि तुझे ज्यादा से ज्यादा सजा दे। ये क्या बाबूजी, याद कीजिए बचपन में मैं स्कूल में था और मेरे बाजू में वो सऊजी बैठता था, उसका कंपास बॉक्स मैंने तोड़ दिया था तो मास्टर जी ने मुझे पूरा दिन कमरे में बंद करके रखा था, तो आपने मेरी गलती होने के बावजूद वो मास्टर जी को डांटा था। हाँ क्योंकि तब तू छोटा था, तुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। लेकिन अभी तो आप बड़े हो गए हैं, आपको अच्छे बुरे की समझ है। हाँ तो इसलिए जेठिया तू तो गलती से भी ऐसी रिश्वत देने की गलती कभी मत करना, वरना कानून तुझे सजा दे उसके पहले मैं तुझे सजा दूंगा, समझा? मैं क्यों किसी को रिश्वत देने लगा बापूजी, हमारे पास गाड़ी कहाँ है कि गाड़ी लेके मैं नो एंट्री में घुस जाऊं और पुलिस मुझे पकड़ ले। हाँ फिर भी हे भगवान, बापूजी को बताना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। टप्पू के पापा बात क्या है? क्या कुछ तो बात है। कुछ नहीं है, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। दुखे छे पेट नो कूटो छो माथू। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं 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 मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हो। दया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ जेठालाल बोलो। मतलब सर अभी के अभी सिर्फ दो मिनट के लिए जरा हमारे बीविंग की सीढ़ियाँ है ना वहाँ के मिलिए ना जरा प्लीज। बीविंग की सीढ़ियों के पास? ठीक है आता हूँ जल्दी है अभी के अभी। अरे जल्दी आता हूँ यार, इससे पहले कि अंजलि नहा के बाहर निकले मैं पहुँचता हूँ। टप्पू के पापा मैं तो सबको मिलने क्यों जा रहे हैं? मैं आके सब बताता हूँ दया तुझे।
अरे कुछ तो बात है। साहब कहाँ रह गए आप? चलो ना जल्दी, कितना टाइम। अरे जेठालाल मैं कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ चाचा जी से बात की तुमने? की और नहीं भी की। की भी और नहीं भी क्या मतलब? मतलब मैंने मब्बम में चालाकी से किसी और का उदाहरण देके पूरी बात की पेशकश की। तो फिर क्या उन्होंने पेशकश ठुकरा दी? सिर्फ ठुकरा ही नहीं दी, बापू जी ने लकड़ी भी दिखाई। जेठालाल सारी गलती तुम्हारी है, क्या जरूरत क्या थी रिश्वत देने की? अरे भाई मैं चाह रहा था हम जल्द से जल्द पार्टी में पहुंचे और पार्टी का मजा उठाए। अरे काय का मजा जेठालाल, सजा हो गई है। वैसे भी वो पुलिस वाला कोई पैसे मांग नहीं रहा था, तुम्हें ही भूत चढ़ा था। नहीं मैं पैसे देके मामला पटा लूंगा। मत मारी गई थी मेरी जो मैंने ये सब किया, और आप अभी मुझे बता रहे ये सब? उस वक्त मुझे नहीं रोक सकते थे? जेठालाल अभी तुम धीरे बोलो, अगर आसपास के फ्लैट वालों ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सब बाहर आ जाएंगे। वो तो वैसे भी कल सुबह अगर मैं बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो वो इंस्पेक्टर यहाँ आ जाएगा और सबको सोसाइटी में पता चली जाएगा। जेठालाल अगर तुम ऐसे बौखलाओगे तो ना तुम कुछ सोच पाओगे ना मैं। नहीं मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ भाई, आपको ही सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए। मैं क्या सोचू जेठालाल? सोचिए, मैं तो सब सोचिए। मैं कल सुबह बापूजी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कैसे मनाऊं? पुलिस वाले ने चाचा जी को देखा तो नहीं है ना? नहीं बापू जी कहाँ मेरे साथ जीप में थे। बस फिर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी जेठालाल। देखो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं जानता कि चंपक चाचा कौन है, तुम किसी को भी तुम्हारे पिताजी बना के पुलिस स्टेशन ले जाओ, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ये तो सोचा ही नहीं। वाह वाह बापू जी वाह। बापू जी क्या मतलब? बापू जी आप चलो सुबह 7 बजे मेरे साथ बापू जी बन के। अरे कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, अरे तुम तो अपने फायर ब्रिगेड में खुद ही आग लगा रहे हो। अरे मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो खुद उस जीप में था, मुझे उस पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा है। लेकिन आपको ऐसे ही थोड़ी आना है, आपको तो बुजुर्ग बन के आना है ना। क्या बातें कर रहे हो जेठालाल, ये पुलिस वाले बेहद चातिर होते हैं, एक निगाह में ताड़ लेंगे कि इस गेटअप के पीछे बूढ़ा नहीं एक जवान आदमी है। तो अभी क्या करूं मैं, आपको ये भी नहीं करना है वो भी नहीं करना है तो क्या करूं क्या मैं? अरे पर जेठालाल, अच्छा कोई तुम्हारा चाचा वाचा है जिसे तुम पुलिस स्टेशन ले जा सको चंपक चाचा बना के? 15 मिनट की तो बात है। अरे सिर्फ एक चाचा नहीं चाचे हैं, लेकिन सब बचाव में हैं। सुबह 7 बजे से पहले बचाव से यहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा। फिर तो मुझे लगता है जेठालाल इस मुसीबत से तुम्हें सिर्फ दया भाभी बचा सकती है। मेहता साहब दया लेडीज है, बापू जी जेंट्स है, दया कैसे बापू जी बन के आ सकती है मेरे साथ? जेठालाल मैंने तुम्हें ये कहा कि दया भाभी को ले जाना है चंपक चाचा बना के। तो अरे तुम दया भाभी को सारी चीजें सच सच बता दो और दया भाभी से कहो कि वो चंपक चाचा को बताए, अगर दया भाभी चंपक चाचा से बात करेगी तो चंपक चाचा पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं दया से बात करता हूँ, लेकिन आप जाना मत, आप इधर ही बैठना, मैं अभी आता हूँ। वो अंजलि मित्रों लतीफे चुटकुले जोक्स ये हमारे जीवन का हिस्सा है और कई बार तो चुटकुले आदमी को इतना लोकप्रिय बना देते हैं कि सब चाहते हैं कि वो कुछ सुनाए, लेकिन एक लेखक होने के नाते मेरा तजुर्बा ये कहता है कि सबसे ज्यादा लतीफे अगर बने हैं तो पति पत्नी के संबंधों पे, पति पत्नी का संबंध। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, जीवन साथी एक दूसरे के लिए कितना काम करते हैं और खासतौर पर पत्नियां जो सबसे ज्यादा त्याग करती है अपने पति के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार भी पत्नियां ही होती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है हिंदुस्तानी पति के जीवन में अगर संजीवनी बूटी का कोई काम करती है तो वो पत्नी है। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो पत्नी
निकाल ही लेती है पति को मुसीबत से बाहर। अब जेठालाल यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और मैंने ही उन्हें ये आइडिया दिया है कि अपनी पत्नी से यानी कि दया भाभी से बात करें कि वो उन्हें इस मुसीबत से निकाल लें। अब आप जानते हैं कि जब जेठालाल दया भाभी को ये बात बताएंगे भाई मुसीबत निकालने के लिए वो क्या सोचती है तो क्या होगा। जिंदगी में गरबा जब भी हम खेलते हैं तो वो गोल गोल होता है और ठीक वैसे ही कोई बात अगर दया भाभी तक चली जाए तो गोल हो ही जाती है। अब दया भाभी जो कुछ करने वाली है या बताने वाली है कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूं कुछ ऐसा जो आज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं हुआ, लेकिन क्या ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।